अस्सलाम वालेकुम क्लास सा सबरी के शबाना मजा ऑफिशियल चैनल में वेलकम सबन का पहला सबन के रिक्वेस्ट आ जे चैनल नया तने सब्सक्राइब कर छियो बेल आइकन के क्लिक कर छियो ए जेकर वीडियो पसंद अचे तो लाइक कयो शेयर लाजमी कयो कमेंट में जे का लेक्चर दे हवाले सा कमेंट लाजमी कना कयो ताकि मखे खबर पहुंच जे कि ताके सुठे नमूने समझ में गाल अचे थी या न। जी हाँ क्लास टेंथ में जैसे पा यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाला हूँ जिनो एक्सरसाइज 18.1 आ बेसिकली यूनिट 2 पा ची सूँ था यानी कि 16 जेके न यूनिट पंजा क्लास 9th में हुआ उनका वो कंटिन्यू हुआ 18 का इन हवाले से हाँ एक्सरसाइज 18.1 स्टार्ट थी बेसिकली यूनिट ही 2 ही समझो। हाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि असें रेशियो फाइंड करो रेशियो अस बेसिकली बेसिक क्लासेस में सीखी आए रेशियो एक जड़ी शेयर फाइंड किया वो जैसे 17 kg 28 kg दिनल है इन रेशियो जैसे फाइंड कदास बिल्कुल ही बेसिक आसान सवाल यानी कि 70 ही रेशियो ही 28 बिन्हीं सेम टेबल जी लगंदी वह असें यूज करनी है जी टेबल यूज कदी बिन्हीं सेम हणंदी हाँ जहाँ ईजी लगे जी लगे हाँ 2G लगे थी 3G लगे 2G लगे थी 2G लगे वोस ठीक है सेम टेबल यूज करनी है जैसी तीन लगे नहीं बिल्कुल सिंपल सिंपल फॉर्म में गहणो है जैसी तीन सेम टेबल्स लगन रहन अस लगाय लगा हाँ ऐसो बिन्हीं जी भी सेम टेबल यूज थी ना वो असणी है 7 की टेबल इन वे पी 5 टाइम इन लगे पी 2 टाइम्स ठीक है यानी कि 5:2 इन एंसर अस इन हिं भी लिखी सूँ था 5/2 हिं लिखूँ या 5:2 लिखूँ गाल सागी है सिंपल सिंपल फॉर्म में इनके हाँ इतने इन पार्ट नंबर 2 है इनमें कि 16 cm आ 1 मीटर आ ठीक है इन तरह के सवाल हूँ रेशियो जहाँ तो जैसे अस वे यूनिट में नंढे की तरफ इंदा यानी कि मीटर में सेंटीमीटर हणंदी हि अस 6 cm सेम रहा हाँ एक मीटर में तबर आ जैसे 100 cm पवंदा एक मीटर 100 cm के बराबर हों के वो यूनिट हो नंढे में कन्वर्ट कियासी तो हाँ इतने एक मीटर की जगह से अची वा अस 100 cm हाँ इनके सिंप्लीफाई कदी 0 0 0 से कैंसिल सेम टेबल यूज कदी सही है इतने बचो 6 हेडे आयो 10 बचो हाँ इतने लगी 3G टेबल 2G टेबल 3 times इतने लगी 5 times तो 3:5 चूँ या 3/5 चूँ गाल सेम आ बाकी ब पार्ट्स से पा कलर कर छो इन हाँ है क्वेश्चन नंबर 2 इन जो कि इन अ फैक्ट्री देर आर 120 वर्कर्स ठीक है टोटल वर्कर ही इन मन जन इन विच 45 आर वुमेन रिमेनिंग आर मेन टोटल 120 45 जी औरतू हैं बाकी जो बचंदा उन असाजा मेन हाँ टोटल में पे इतने जो डेटा टाइम वालों तो ये अस टोटल अस 120 जैमें वुमेन घणी अस 45 मेन घणा जो बाकी बचा उ मेन यानी कि 120 में 45 माइनस कर छूँ तो बाकी अस बचा वही 75 जी असा मेन ठीक हाँ डेटा अची वही हाँ इनके पा सॉल्व कंदी ठीक है हाँ इन अस रेशियो ही फाइंड करो हाँ इतने मेन गाल समझने यही हुई तो तेज क्वेश्चन रीड कौ तो चवन कि 120 तो वर्कर आन ठीक है टोटल 45 तो वुमेन आन आई मेन जिते तक गाल ही ना तो मेन केतरा हाँ सवाल में इन टे पार्ट्स दिनल में चाहिए कि मेन टू वुमेन यानी कि मानो ना ही वुमेन के विच में रेशियो अस मालूम करण मेन से दिनल ही ना तो असा पान के कड़ना पवंदा छो जो इन 45 टोटल भी इन 45 वुमेन बाकी जो बचा उ मेन तो 120 में 45 औरतू थी तो बकाया घा बचा 75 तो उ असा मेन थे ठीक है 75 तो लिखल न हो पान के कॉमन सेंस यूज कर सवाल के समझण हो फाइंड करो हो हाँ मेन बची वह वुमेन बची वह हाँ इन जी मथे सवाल में करें तीन इन रेशियो अस फाइंड कर सूँ था हाँ अस वुमेन मेन घणा पे 75 ठीक है वुमेन घणी अस रेशियो की सैम्पल लिंदी वुमेन अस 45 हाँ इतने जो सवाल में दिनल है ना इं कंदी पे मेन जो रेशियो लिखंदी वुमेन जो लिखंदी अगर पे वुमेन लिखा पो मेन लिखा तो सवाल जो एंसर जो अस चेंज थी वो सवाल के मुताबिक असेंगे हलणो लास्ट में 5 अस लास्ट में 5 अस 3G टेबल भी लगे थी 5G टेबल लगे थी तो जैसे 5G डायरेक्ट हणो 5 वो आ तो सवाल के सॉल्व कर वींदी इन लगे थी पी 5G टेबल जो 15 भेरा इन लगे थी पी 9 भेरा सेम टेबल यूज करनी है ये ना इन 3G कर छो इन 5G कर छो इन सेम टेबल यूज करनी है इन 3G टेबल लगे थी पी 5 times तो इन लगे थी पी 3 times
ठीक है, 3:5 असो एंसर है, यानी कि 5/3 लिखूँ तो भी गाल सागी है। अगर पे वुमेन लिखी वहाँ मेन लिखी वो तो हि वो उल्टो सवाल जवाब जैसे उल्टो थी 3 हेडे थी 5 हेडे थी तो क्वेश्चन असो रॉन्ग थी वे। अच्छा हाँ एक में हो मेन का वुमेन जो रेशो फाइंड कर वुमेन टू मेन असो रेशो फाइंड करो ठीक है। इन में इन वुमेन टू मेन इन में हो मेन टू वुमेन ठीक है, गाल सागी है वुमेन पे बाद में आए आ जवाब तो सागो ही न सिर्फ ही उल्टो कर छो तुम जवाब जैसे सागो यानी कि 3 मथा अची वो 5 हेठिया अची वो छोजो मेन टू वुमेन वुमेन टू मेन पे इन में वुमेन बाद में आयल है इन में पे आयो तो इन जवाब के उल्टो कर छो तुम जवाब सवाल जैसे सॉल्व थो। थर्ड में वे तो चे वर्कर टू टोटल वर्कर अस घा सॉरी वुमेन टू टोटल असंख्य करना वुमेन अस घी वन हाँ 70 45 ठीक है 45 वुमेन एंड टोटल घना 120 हाँ इनके सिंप्लीफाई जैसे क्यों इन में लास्ट में 5 आने में लास्ट में 0 आ 5 टेबल लगे थी पी तो इन लगी 9 टाइम आई लगे थी पी 24 टाइम सेम टेबल यूज कंदी जी लगन दिसो हाँ 3 जी टेबल इन लगे थी पी 3 टाइम्स इन लगे थी पी 8 टाइम इन का सिंप्लीफाई नी इन जो एंसर है इनके 3/8 लिखो तभी गाल सागी है। फोर्थ पार्ट में वे इन में चे पो कि मेन टू टोटल यानी कि मेन जन अस घा 75 उनको रेशो टोटल यानी कि 120 सा सेम टेबल जी लगन वह अस यूज करनी है। 5 जी टेबल ऐसो इन लगे थी पी 15 भेरा इन लगे थी पी 24 टाइम्स 3 जी टेबल इन लगे थी पी 5 टाइम 3 जी टेबल इन लगी 8 टाइम यानी कि 5/8 या 3:8 असो एंसर है क्वेश्चन जो। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो अज की क्लास जो लास्ट पा कर वो यानी कि हाँ इन लाइ कि 5 ऐसो बाहर आ 4x-2y बराबर दोनों तरफ 3x-4y फाइंड करनी है एक्स रेशियो वाई फाइंड करनी है तो किए कंदी सभी का पैर जैसे इनके सिंप्लीफाई क्यों तो ये 5 जो है अंदर इन भी मल्टीप्लाई थी इन भी मल्टीप्लाई थी वो 5 चौंक थी वो 20 ही एक्स सागो रो प्लस माइनस माइनस थी वी 5 10 ही वाई सेम रो बराबर इन तरफ 3x-4y असं सागे रखीसी ठीक। हाँ इतने ऐसो हि 20x असं सागे रखूँ था पाया हि जो 3x है ना इन पास टपाए वासी हेडे प्लस तो करे तो हेडे वही करो 3x माइनस जो थी वो इतने माइनस जो जो 4y है यो सागो रखासी हेडे जी अस माइनस जो 10y है होडे वही कर प्लस जो 10y थी वो ठीक है। हाँ 20x में 3x कटी वा तो इतने बचा अस 17x बराबर इन तरफ ये माइनस जहा 4 कैंसिल तो बाकी प्लस जहा वही बचा अस 6y ठीक। असेंगे वैल्यू चाहिए खपे एक्स आई रेशो वाई की यानी कि इन तरह से इनके लिखा एक्स अपॉन वाई पे रकम जी आई इं रही बी इन अपॉन में अची सके थी इन तरह से तो वाई तो करे इतने मल्टीप्लाई तो करें इन से हेडे वही डिवाइड कौ ठीक एक्स से एक्स सेम रो हि वाई हेडे अची कर डिवाइड थी इतने मल्टीप्लाई था कन भाई पा में हेडे अची कर डिवाइड कौ सेम में असें 6 से सेम रो हि इन से हेडे मल्टीप्लाई में आ 17 तो हेडे अची कर डिवाइड थी वो। हाँ इनके असं जैसे लिखूँ ये असो एक्स रेशो वाई बराबर लिखूँ या ही प्रोपोर्शन जो सैम्पल दूँ ये 6 ये रेशो 17 ही जवाब भी तुम सही है ही जवाब भी तुम सही है क्लियर। ये हुए अज जहाँ 3 सवाल आए ओके तुम सुठे नमूने समझ में अची वह ओके अल्लाह हाफिज़।